नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज नंबर 6.2 में देख रहे हैं बेलन शंकु और गोले। बेलन शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम ज्ञात करेंगे। बेलन शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए जैसे पहला प्रश्न आपके बेलन का व्यास दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 16.2 में बेलन का आपको व्यास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेलन का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई h बराबर दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या व्यास के आधी होती है। बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास के आधी होती है, तो 14 की आधी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों गति भागों का क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस r, 2 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/7, क्योंकि त्रिज्या आपके 7 सेंटीमीटर है। एच आपकी 15 त्रिज्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 को 2 से गुणा कर देंगे 44, और ये हो गया आपके 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से गुणा कर लेंगे इसको, 22 88 88 88 और 8 हो जाएंगे आपके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है आपके, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेलन का आयतन निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई होती है आपकी एच, पाई का मान रख देंगे 22/7 और त्रिज्या है हमारे 7 7 × 7, ऊंचाई एच हो जाएगी हमारे 15 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। 7 काट दीजिए इसको, 22 को 15 से गुणा कर दीजिए, 15 × 30 330 गुणा 7 सेंटीमीटर क्यूब, 0 7 21, 7 21 2 7 21 2 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन हुआ। हमारा बेलन का आयतन हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने ज्ञात किए। अब हम आगे करते हैं, दो लंबवती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपके 44th, क्वेश्चन नंबर 4th में आपके क्वेश्चन नंबर 4,
दो लंब प्रत्यय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात बेलन की त्रिज्या है R1 और R2 ले लिया आपने। बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। तो R1 को मान लेंगे आप 2R तथा R2 हो जाएगी आपकी 3R सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात। इसी प्रकार ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात H1 अनुपात H2 H1 अनुपात H2 H1 अनुपात H2 दे रखा है 5:4 5:4। तो H1 बराबर 5H और H2 बराबर मान लेंगे आप 4H। इस प्रकार से हमने त्रिज्या और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, दोनों के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात निकालना है। दोनों के कर्व सरफेस एरिया का अनुपात C1/C2 बराबर इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R1 H1 बटे 2 पाई R2 H2 2 पाई से 2 पाई काट दीजिए, R1 के वैल्यू रख दीजिए आप 2R और H1 की वैल्यू रख दीजिए आप गुना 5H, R2 की वैल्यू रख दीजिए आप 3R और गुना H1 की वैल्यू रख दीजिए आप H2 की वैल्यू रख दीजिए 4H, R1 आपके 2R, R1 आपके है 2R, H1 आपके 5H, R2 है आपके 3R और H2 है आपके 4H। कैंसिल कर दीजिए, एच से एच कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 5/6 या 5:6। वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया आपके 5:6। अब निकालेंगे हम आयतनों का अनुपात। आयतनों के अनुपात के लिए वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, अब है हमारे आयतनों का अनुपात। आयतनों के अनुपात के लिए देखिए अपन आयतनों के अनुपात के लिए दोनों बेलनों के आयतनों का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात V1/V2, आयतन का फॉर्मूला πr² h, πr² h वर्ग, दूसरे का आयतन होगा आपके πr² h, πr² h2। ये पहले वेलन की त्रिज्या, दूसरे पहले वेलन की ऊंचाई, दूसरे वेलन की त्रिज्या, दूसरे वेलन की ऊंचाई, पाई से पाई काट दीजिए। R1 का मान क्या 2R स्क्वायर है पर H बराबर आपके 5H बटे R2 आपके 3R और H2 है आपके 4H R से R कैंसिल कर दो, R स्क्वायर से R स्क्वायर, H से H कैंसिल, 2×2 4, 4 से 4 कैंसिल, 5/9 या
पांच अंतर नौ। इस प्रकार जब हमने देखा कि दो लंबवर्ती बेलन जो थे उन दोनों बेलनों की त्रिज्या और उनके अनुपात दिया हुआ है और उनके त्रिज्या और उसका अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके 5, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। इस सबको ध्यान से रखेंगे, आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 5, ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर, 462 वर्ग सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग रखेंगे 2πRh, दो वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल अलग रखेंगे 2πR2, बराबर हो जाएगा आपके 462, ये आपके समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट आपको कंडीशन दे रखी है कि बेलन का वक्र पर संपूर्ण ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। प्रश्न अनुसार जो शर्त आपको दे रखी है, पहले आपको दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, 462 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय है, आप कॉमन नहीं लेकर के अलग अलग रखेंगे क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में आपको कंडीशन दे रखी है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके 2πRh बराबर 1/3, संपूर्ण पृष्ठ आपको दे रखा है 462, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 462 बराबर, इसको काट दीजिए 3, 5, 3, 15, 4, 3, 12, इसीलिए 2πRh का मान आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये समीकरण नंबर आपके 2, इस समीकरण 2 का समीकरण 1 में मान रखेंगे, 2πRh का मान 154 रखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 में मान रखने पर, इस 1 में मान रखेंगे, इसमें मान लीजिए 2πRh बराबर 154, तो ये हो जाएगा 154 प्लस 2πR² 154 प्लस 2πR² बराबर हो गया आपके 462, पक्षांतर कर दीजिए तो 2πR² बराबर 462 में से 154 को माइनस कर देंगे, 462 में से 154 माइनस कर देंगे तो 2πR² बराबर आ जाएगा आपके 308 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, 2/π का मान 22/7, त्रिज्या को ज्ञात करनी है बराबर 308, तो R² ज्ञात करने के लिए हम R² बराबर, इसीलिए त्रिज्या R² बराबर 308 को गुणा करेंगे 7 से, बटे 2/22 रजमा कर देंगे तो R² बराबर 22 से इसको काट दीजिए, 22 4×22=88, इसको 7 बार काट दीजिए आप करें जाएगा 7×7 R² बराबर हो गया आपके 49, इसीलिए त्रिज्या R
त्रिज्या आर बराबर आ गया आपके 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर का मान आ गया हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान रख देंगे 22/7, पाई का मान 22/7, त्रिज्या मान आ गई 7 × 7। अब हमारे पास में एच नहीं है, एच हम पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। एच ज्ञात करने के लिए हम मान ज्ञात करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एच मान नहीं है, तो सबसे पहले हम एच ज्ञात करेंगे। एच मान ज्ञात करने के लिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में त्रिज्या का मान रखेंगे, समीकरण 2 से 2πRh बराबर 154। समीकरण 2 में देखा था कि आपके 2πRh बराबर था आपके 154, तो 2 × π का मान 22/7, त्रिज्या आपके 7 है, × h बराबर 154, तो h बराबर 154 में 2 × 22 का भाग दे देंगे बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आ गई आपके 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई आ रही है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हमें मालूम हो गई 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें मालूम हो गई 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर आ गया आपके 3.5 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान रख देंगे 22/7, त्रिज्या है आपके 7 × 7, ऊंचाई आपकी 3.5, 7 से 7 के विभाजित कर दीजिए, यह आ गया आपके 77.0 × 7 सेंटीमीटर³, आयतन जो होगा वो हमारे सेंटीमीटर क्यूब होगा, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 49 और 4 × 53 539 सेंटीमीटर³, ये बेलन का आयतन आ गया 539 सेंटीमीटर³ या 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने देखा कि बेलन के संपूर्ण परिधीय क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का वक्रपृष्ठ उसके संपूर्ण परिधीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है, तो 2πRh का मान 1/3 × संपूर्ण परिधीय क्षेत्रफल, तो 2πRh बराबर 154 आया, उसका मान रखा, त्रिज्या ज्ञात की, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद चूंकि हमारे पास में बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है, बेलन का आयतन के हमको r, त्रिज्या, ऊंचाई h मालूम होना जरूरी है, इसलिए h ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में जो आपके 2πRh बराबर 154 है, समीकरण 2 में आपने त्रिज्या r का मान रख दिया 7 सेंटीमीटर जो आपने पहले निकाल चुके हैं, और h हम ज्ञात कर लिए, h ज्ञात करने के बाद बेलन का आयतन हमने ज्ञात किया। इस प्रकार से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे आप, और जो प्रश्न शेष रहेंगे उनको कल बताएंगे। धन्यवाद।